module 130 in production analysis we are going to study the production function and what is the classification of production function when we say production function it means we are going to utilize a relationship and relationship between two things inputs and output so those inputs they will be utilized for the production of a certain output they all will come under the domain of the factors of production or the input. These inputs can be a single, that can be two, can be three, or the multiple combination. So, these inputs can be in various forms. These can be in the form of the capital, labour, energy, resources, and anything like this. And these are mostly are a long list, but generally we have four types of the factors of production that are called land. Labor capital and now the one the fourth that is the most important that is called the management skill or the entrepreneurship. So, a mathematical or the technical relationship by which we are going to utilize the various inputs to convert these inputs in the form of the output that relationship will be called the production function. So, here now. Will be one thing that if there are two or the three inputs, there are also various possible ways to combine these inputs. There is no one formula we can say that they will be utilized only on only in one combination. It means there is also a possibility that this is there can be the a basket of the inputs that we have to utilize, but these inputs they are in one way or the other, they are mutually, we can say, or within inside, they are mutually substitutionable. But at the same time, there can be certain inputs that they cannot be substituted to each other. So, keeping in view the substitution of these inputs, we are having various types of the production function. So, production function, a technological summary or a technical aspect. Hai, जो हमें बताता है कि हाउ वी हैव टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर लेवल और पर्टिकुलर अमाउंट और अ पर्टिकुलर नेचर ऑफ द आउटपुट और उस आउटपुट को इस्तेमाल करने में कौन कौन सी इकसाम के इनपुट्स इस्तेमाल होने हैं बिकॉज अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर के इनपुट्स जिस तरह हमने बात की है डिफरेंट हैं लेकिन उसी तरीके से वीट और कॉटन और कॉटन से राइस की प्रोडक्शन के इनपुट्स कुछ हद तक सिमिलर हो सकती हैं लेकिन हो सकता है कि वो कुछ आपस में वेरी कर रहे हों उसी तरीके से अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में केमिकल इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कुछ फैक्टर्स मीन द मैनेजेरियल स्किल द एंटरप्रेन्योर द एनर्जी दैट विल बी सेम बट एट द सेम टाइम द नेचर ऑफ द केमिकल्स द अमाउंट ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ द लेबर वट आर द सोफिस ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट मे वेरी सो द पर्पज ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट ओनली टू टेल अबाउट द नेचर ऑफ द आउटपुट इज आल्सो टू टेल अबाउट दट हाउ मच आउटपुट वी हैव टू प्रोड्यूस बट विद वेरियस कंबीनेशन ऑफ द इनपुट एंड वेरियस अमाउंट ऑफ द इनपुट्स अब ये जो वेरियस कंबिनेशन ऑफ द इनपुट्स हैं इफ़ वी एक्सप्लेन इन वन एग्ज़ैम्पल इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल दैन वी कैन से जिस तरह हमने अपने बहुत सारे आ, पीछे एग्जाम्पल्स में भी हमने अपनी ये एक जीन्स स्टिचिंग की एग्जाम्पल ली थी तो अब हम अगर देखें तो सेम लेवल ऑफ आउटपुट हम अगर देखें मेन वो एक जगह पर आ रहा है लेकिन जब हम स्केलिंग करते हैं हम कभी एक इनपुट को बढ़ा देते हैं और कभी किसी दूसरे को तो हम वेरियस कम्बिनेशन पर चले जाते हैं अब इस टेबल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो so वेन हम सिर्फ एक कैपिटल को हमने कॉन्स्टेंट रखा है और ऑन राइट साइड पे हम लेबर को इन्हांस करते जा रहे हैं तो इन द स्टार्ट प्रोडक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज़ बट अप टू अ सर्टन पॉइंट अब अगर हम देखें इंक्रीज भी जब ये हो रही है तो एट इंक्रीजिंग रेट है मीन फ्रॉम 15 टू 34 में बहुत बड़ा जंप अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 19 पॉइंट्स का जंप अलॉन्ग वन यूनिट आ रहा है लेकिन उससे नेक्स्ट में 34 फोर टू फोर्टी में जो जंप है वो 10 का है सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को अगर हम देखें तो वो यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स एक्सप्लेन कर रही है और उसी तरीके से आफ्टर अ सर्टन पॉइंट हम अगर देखें तो यहाँ पे जाने के बाद इट इज़ इक्वल टू जीरो मीन चेंज इन आउटपुट ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन लेबर यहाँ पे अगर हम देखें तो वो जीरो हो गया है और उसके बाद ये डिक्लाइन हुआ है सो अलोंग दिस रो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज फर्दर इज इन द स्टार्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट देन स्टेगनेट एंड देन डिक्रीजिंग सो डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न और डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज आर एक्सप्लेन एंड लाइकवाइज अगर हम दो पे जाएं जिसमें हम कहते हैं कि हमने कैपिटल की अमाउंट टू रखी है तो सेम बिहेवियर हम यहाँ पे भी उसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं और अगर इसके वेरियस कम्बिनेशनस को हम देखें तो देर आर कम्बिनेशन जब हम देखते हैं कि वन यूनिट ऑफ लेबर एंड वन यूनिट ऑफ कैपिटल से हम फिफ्टीन जीन्स को जो एक ऑप्टीमल लेवल है वो देख रहे थे बट ऑन द डायगोनल अगर हम देखें जब दो यूनिट्स ऑफ लेबर और दो यूनिट्स ऑफ कैपिटल हमने यूटिलाइज़ किया तो हम 46 पे चले गए अब ये जो 46 सिक्स की फिगर है अगर हम देखें तो इसके बिल्कुल लेकिन उसी तरीके से अगर हम देखें तो फिफ्टी यूनिट्स हमारे पास जो जीन्स के हैं वो वन यूनिट ऑफ लेबर वन यूनिट ऑफ कैपिटल और फाइव यूनिट्स ऑफ लेबर के साथ भी हमें मिल रहे हैं तो अगर हम देखें तो ये फिफ्टी यूनिट्स ऑफ आउटपुट और इस फिफ्टी यूनिट्स ऑफ आउटपुट में तो हमारा आउटपुट सेम है लेकिन इसके साथ जो हमारा रिस्पेक्टिव इनपुट है वो वन फॉर कैपिटल और अगर हम देखें तो फाइव ऑफ लेबर हैं और यहाँ पे हम देखें तो थ्री ऑफ कैपिटल एंड टू ऑफ लेबर हैं तो इट मींस कि वो प्रोडक्शन फंक्शन हमें वेरियस कम्बिनेशनस के बारे में भी बताता है जिससे हम सेम लेवल ऑफ़ आउटपुट अटेन कर सकते हैं और एट द सेम टाइम वो हमें यह भी बताता है कि हम अग उसको देखते हुए कि किसके ज़रिए हम हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट को भी अटेन कर सकते हैं तो अब इस टेबल में अगर हम देखें तो हमारा लोएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट 15 है और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ़ आउटपुट है वो हमारे पास 103 है बट दिस इज़ नॉट क्लियर स्टिल अप टू अस कि इन दोनों कम्बिनेशन में से या जो बाकी हमारे पास वेरियस कम्बिनेशनस ऑफ आउटपुट आ रहे हैं इन में से हमारा ऑप्टीमल लेवल ऑफ जो आउटपुट है या हम उसको कहें कि वो जो हमारा विद इन रेंज या एफिशिएंट है वो कौन सा है अब उसके लिए हमें फिर इसकी फर्दर वर्किंग करनी होती है लेकिन एक प्रोडक्शन फंक्शन हमें वेरियस कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स और उसके साथ साथ वेरियस कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स के साथ उनके आपस में उनकी सब्सिट्यूटेबिलिटी उसके बारे में हमें ऑल इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कर देता है थैंक यू